मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 13th क्लास है और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन, जिसमें आपका कुछ फार्मूला यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और कौन सा फार्मूला यूज होगा जो कि आज की क्लास में क्वेश्चन होंगे, किस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वो फार्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं। और फार्मूला डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जब क्वेश्चन करने जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ये मुझे फिर दोबारा बताने की जगह डायरेक्टली समझाना होगा। और मेरे बताते टाइम ही आप भी पहले से ही पता होगा आपको उस फार्मूले के बारे में, तो उसका यूज करते हुए आप आंसर निकाल पा रहे होंगे उस टाइम तक जब तक मैं बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन से पहले तो फार्मूला कौन सा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यहां पर, वो फार्मूला जो कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं उन क्वेश्चंस में उसका यूज होगा, वो फार्मूला है टेन ए प्लस बी, मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा। तो आपका जो फार्मूला है जिसके बारे में आज की क्लास जो होने वाली है, डिस्कस होने वाला है फार्मूला आपका यहां पर, जैसे मैंने कहा टेन ए प्लस बी, दो एंगल है आपके, एंगल ए और एंगल बी, तो बोला गया टेन ए प्लस बी। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहां पर इसका बेसिक एकदम प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस में इस फार्मूले का यूज है। तो मैं बस आपको यहां पर लिख के बता दे रहा हूं कि यह फार्मूला क्या होता है और जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें किस तरीके से यूज होगा। तो फार्मूला आपका हो गया टेन ए प्लस बी का फार्मूला, अगर आपने पढ़ा होगा, याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद होगा तो अच्छी बात यह है कि मैं पहले ही फार्मूले को बता दे रहा हूं ताकि जब आप क्वेश्चन करने जाएं तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपान टेन ए प्लस टेन बी अपान अपान आता है वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर आपको फार्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने लिख दिया। तो पहला बेसिक फार्मूला आपका यहां पर निकल के आया, क्या है आपका फॉर्मूला जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होगा, तो टेन ए प्लस बी, यानी आपका टेन ए प्लस बी अगर आपको लिखा गया है तो उसका सीधा सा फॉर्मेट है, उसको लिखें, अगर उसको एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और अलग तरीके से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो अलग तरीका यह है कि अगर आपसे बोला जाता है कि अगर ऐसा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों एंगल बराबर हैं, जो एंगल ए है और जो एंगल बी है, ये दोनों एंगल अगर आपस में बराबर हैं, मैंने कहा ए और बी बराबर है कुछ तो होंगे, तो मैंने कहा कि थीटा है। अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हैं और दोनों एंगल कितना है, तो मैंने कहा थीटा है। और जब एंगल दोनों बराबर है, थीटा हमने माना, तो यहां पर टेन ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा लिख पाएंगे, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा इजिकल टू, यहां टेन ए प्लस टेन बी है और ए और बी दोनों थीटा है, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब आपका फॉर्मूला का पार्ट जो बनता जा रहा है, अलग एक फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन इसी बेसिक से बना है, तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला आ गया टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन ए टेन बी, मतलब टेन थीटा क्योंकि ए और बी दोनों एंगल थीटा अगर बराबर हैं, थीटा हमने माना है, तो ये बना वन माइनस वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर लिखा है, इन्हीं दो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आज की क्लास में, उसको करने के अगर अलग तरीके भी होंगे तो उस तरीके को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर मैं बताऊंगा, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए जरूर बताऊंगा, ताकि आपका ये फॉर्मूला यूज करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता, वो पॉइंट जो एक्स्ट्रा आपको मैं बताऊंगा इसके अलावा क्वेश्चन को करने का, अगर वो आपको नहीं समझ में आता है, आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। और ये फॉर्मूला इसलिए भी बता दिया ताकि आगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास करेंगे तो वहां पर कुछ तो फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा करके याद होते गए जाएंगे और याद रहेंगे, तो थोड़ा और फॉर्मूले याद कर करके हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं मैक्सिमम वो याद कर लेंगे, मैक्सिमम क्या सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में किस तरीके से यूज होगा या इसके बिना भी अगर क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है तो कौन सा कंसेप्ट होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन पहला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ए फ्लैग स्टाफ 5 मीटर हाई स्टैंड ऑन अ बिल्डिंग 25 मीटर हाई एट एन ऑब्जर्वर एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर्स
द फ्लैग स्टॉप एंड द बिल्डिंग सस्टेंड इक्वल एंगल द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज। अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ये बोला जा रहा है कि एक 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर, एक 25 मीटर ऊंची इमारत या बिल्डिंग इमारत के ऊपर 5 मीटर ऊंचा ध्वज दंड है, मतलब ध्वज फहराया जा रहा है और ध्वज जिसमें फहराया गया है, झंडा जिसमें लगा हुआ है, वो 5 मीटर ऊंचा झंडा है, तो 5 मीटर ऊंचा डंडा है जिसमें झंडा लगा है। तो बोला गया कि एक 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर 5 मीटर ऊंचा ध्वज दंड है। और फिर बोला गया है कि जमीन से आगे आप देखो एट हाइट ऑफ 50 मीटर, तो जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला गया है, तो बोला गया जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वर प्रेक्षक की बोल सकते हैं, तो जमीन से 30 मीटर ऊंचाई पर स्थित जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों पर बनने वाला एंगल कौन सा एंगल। तो बोला गया कि जमीन से 30 मीटर ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वर की आंखों पर उस फ्लैग स्टॉप मतलब ध्वज दंड और बिल्डिंग से बनने वाला एंगल जो कोण है वो बराबर है। तो बताइए कि जो फ्लैग स्टॉप का टॉप है, जो ध्वज दंड का ऊपरी हिस्सा है, टॉप वाला हिस्सा है, वो ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पर है। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग समझेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले करेंगे, बाद में हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। और अलग तरीका क्या होगा तो वो मैं आपको भी बता दूंगा कि कौन सा कंसेप्ट होगा जो कि यूज करके आप पूरा आपका ये फॉर्मूला न यूज करें तो भी आंसर निकाला जा सकता है। तो जैसे पहले तो बोला गया कि एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग ही पहले बना लेते हैं। तो बिल्डिंग की हाइट दी गई है, कितनी हाइट दी गई है इस बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की हाइट दी गई है 25 मीटर, जो बिल्डिंग है वो 25 मीटर ऊंची है। और फिर बोला गया है कि उस 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर 5 मीटर ऊंचा ध्वज दंड है, मतलब फ्लैग स्टॉप है। तो 5 मीटर ऊंचा हम यहां पर एक ध्वज दंड बना लिया, मतलब यहां पर मैंने फ्लैग स्टॉप बना दिया और यह हो गया इसका टॉप। अब आपसे बोला गया, यह भी बताया गया है कि जो ध्वज दंड है ना, इसकी जो फ्लैग स्टॉप है इसकी हाइट है 5 मीटर, यानी टोटल कितना हाइट हो जाएगा उस फ्लैग स्टॉप के टॉप का। तो आप देखिए कि ये वाला जो हाइट है वो यहां से यहां 5 मीटर है और ये वाला पार्ट जो है वो यहां से यहां तक कितना है 25 मीटर है। आपसे बोला गया कि एक ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल, ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल किससे, इस फ्लैग स्टॉप से और इस वाले जो बिल्डिंग की हाइट है इससे जो ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाले एंगल है दोनों से वो बराबर हैं। तो कोई एक ऑब्जर्वर है और कहां पर है ये भी बता दिया गया है कि जो ऑब्जर्वर है वो कितनी ऊंचाई पर है 30 मीटर। आप ऐसे भी देखो कि ये कितनी ऊंचाई पर है तो आप कहेंगे कि 25 और 5 30, मतलब ध्वज दंड का जो टॉप है वो 30 मीटर ऊंचाई पर है। और आपसे बोला गया कि ऑब्जर्वर कितना ऊंचाई पर है तो ऑब्जर्वर के बारे में भी बताया गया 30 मीटर ऊंचाई पर है। तो 30 मीटर ऊंचाई पर ऑब्जर्वर है, इसका टॉप भी 30 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसी पर आपका ऑब्जर्वर होगा, क्योंकि अगर ये 30 मीटर ऊंचा है, देखें इसका टॉप जो है फ्लैग स्टॉप का, और ऑब्जर्वर भी 30 मीटर ऊंचा है, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो किस लाइन पर होगा, जो फ्लैग स्टॉप का टॉप होगा उसके हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो उसी लाइन पर आपका ऑब्जर्वर होगा। और ऑब्जर्वर अगर यहां पर है तो बोला गया कि ऑब्जर्वर पर जो एंगल बन रहा है किससे, दोनों से, किन दोनों से, एक फ्लैग स्टॉप से और एक आपका जो है बिल्डिंग से, वो दोनों बराबर एंगल बन रहा है। तो बराबर एंगल बन रहा है ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। तो एक तो हो गया कि यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऑब्जर्वर की आंखों पर और यहां पर इसका जो बॉटम था फ्लैग स्टॉप का वहां से मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो ये ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला है ये वाला एंगल, ये एंगल आपको बताया गया कि ये बराबर है, ये एंगल जितना बन रहा है आपका फ्लैग स्टॉप से ऑब्जर्वर के ऊपर बनने वाला जो एंगल है वो जितना बन रहा है उतना ही एंगल बन रहा है बिल्डिंग से इस ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल उतना ही है। तो हम बिल्डिंग से भी बना लेते हैं, तो बिल्डिंग से इस ऑब्जर्वर की आंखों पर जो बन रहा है एंगल वो कितना है, तो वो भी उतना ही है जितना कि फ्लैग स्टॉप से ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है।
और अगर बराबर है तो मैं कहता हूं कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा, क्योंकि आपसे यही बोला गया है कि फ्लैग स्टॉप और बिल्डिंग से जो ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला ऑब्जर्वर पे बनने वाला एंगल है वो बराबर है, मतलब इससे जो एंगल बनना है वो थीटा बनना है, तो इससे भी जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और ये जो लाइन है आपका फ्लैग स्टाफ के टॉप से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें ना तो वहीं ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर से होकर के गुजरेगी, क्यों, क्योंकि ये टोटल 30 मीटर ऊपर है इसका टॉप, और ये भी बोला गया कि ऑब्जर्वर भी 30 मीटर ऊंचे पर है। तो अगर इसमें देखें समझे ध्यान से तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो समझा रहा हूं आप समझ पाए होंगे। और यहां पर अगर आप देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पर अगर बात करूं पहले फॉर्मूले की बात करूंगा फिर डायरेक्टली तरीके की बात करूंगा। तो पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में करते आए हैं, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते आए हैं और आगे कुछ और आपको दिया गया है क्या इस क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे कि नहीं इसमें तो कुछ और नहीं दिया गया है, और आपको पूछा गया गया है कि फ्लैग स्टॉप के टॉप से ऑब्जर्वर की आंखों तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो हमने कहा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका लेंथ हमने कहा कितना है एक्स मीटर, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है ये हमने कहा कि एक्स मीटर ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो लाइन आपका है ये जो ऑब्जर्वर और आपका फ्लैग स्टाफ के टॉप को मिलाने वाला और जो सीधी लाइन जमीन की तरफ आ रही है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये 25-30 मीटर ऊंचाई पर ये टॉप है और ये भी जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही आपका परपेंडिकुलर बिल्डिंग है। तो जब ये दोनों आपस में देखेंगे कि ये भी हॉरिजॉन्टल है ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब यह है कि ये परपेंडिकुलर अगर इस पर है तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जो मैंने बताया, क्योंकि ये टोटल 30 मीटर था ये भी 30 मीटर ऊपर ही ऑब्जर्वर है, तो यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े इसके बाद अगर देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, तो कुछ ऐसे है कि अब अगर आप यहां से देखें तो आप फॉर्मूले का अगर आप यूज करते हैं, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में जो आपका ट्रायंगल है जिसमें आपका 5 मीटर वाला पार्ट है, मतलब फ्लैग स्टाफ से जो बन रहा है ट्रायंगल आपका 3 एंगल बन रहा है, इससे अगर देखें तो इस वाले पार्ट में अगर हम कहें कि ये थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कह पाएंगे यहां से टेन थीटा आएगा, कहां से, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टेन थीटा इक्वल टू बराबर आएगा क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एंगल लेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 5 और अपन बेस कितना हुआ 90 डिग्री के सामने की साइड छोड़ दो तो जो बाकी साइड बची वो यानी tan थीटा इज इक्वल टू 5/x आ गया। अगर ये पॉइंट आप समझ पाए हो तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम देखें, अब अगर देखें कि ये वाला ट्रायंगल, तो यहां तो 90 डिग्री की बात ही नहीं की गई, हमें पता भी है कि ये 90 डिग्री नहीं होने वाला है। और अब अगर देखें क्योंकि ये 25 मीटर है ये 30 मीटर है, तो और ये आपका लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां तक नहीं पहुंचेगी, ये पॉइंट क्लियर है, ये 90 डिग्री है नहीं। आप बताइए कि अगर आप इसमें देखेंगे कि ये पूरा एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो पूरा एंगल होगा 2 थीटा होगा, और अगर ये 2 थीटा होगा तो टेन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे टेन 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको पता है फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने फॉर्मूला फिर से लिख दिया कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा का मतलब हुआ यहां पर हम कौन से एंगल लेके चल रहे हैं, ये पूरा एंगल लेके चल रहे हैं, 90 डिग्री एंगल है, ये 2 थीटा है, ये तीसरा एंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, तो ये 2 थीटा के सामने जो पूरी साइड है 25 + 5 कितना होगा 25 + 5 तो आपको पता है कि 30 होगा, और अपान जो बेस होगा 90 डिग्री के सामने की साइड छोड़ दो, तो जो बेस होगा वो दूसरी साइड जो है 90 डिग्री के सामने की साइड छोड़ दो, बाकी अगर इसको छोड़ दें तो ये वाला पार्ट जो बेस होगा 30/x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, ये जो वैल्यू है ना वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं और आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर मैं इस वैल्यू को इसमें रखूं तो यहां पर लिखूंगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा का मतलब हुआ 2 × 5/x जो कि हो जाएगा 10/x, ये हो जाएगा 10/x अपान 1 माइनस कितना होगा, तो 1 - tan²θ मतलब इसका स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 5² = 25 और x का स्क्वायर x² हो गया। अब आप देखिए कि ये रिजल्ट क्या आया, अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो आप कहेंगे कि ये आएगा 10/x
इनटू, थोड़ा सा अगर लॉजिक चलाए, थोड़ा सा दिमाग अगर आप चलाते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरा एक एक स्टेप किया जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं, 1 - 25/x² है, तो ये जो आएगा x² - 25/x² ये आएगा। अगर ये x² - 25/x² आएगा, क्योंकि आपका फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो ये उल्टा करके लिखते हैं, ये सीखा है आपने, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे x² / 25। ये पॉइंट अगर आप समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आप समझते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। अब अगर आगे चलें तो देखो आपको इक्वेट करना है, बस जैसे इक्वेट करेंगे वैसे ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। और इक्वेट कैसे करना है तो वो आपको पता होता है, पता है, पढ़े हुए हैं आप बहुत टाइम से। तो अगर आप इसको हटा करके ये लिखते हैं तो अगर आप इक्वेट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये एक्स जो है एक्स से कैंसिल और ये जीरो जो है वो जीरो से कैंसिल। अब आपका क्या रिजल्ट आया, ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है x² - 25 * 3, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 3x² - 75 = यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 * x² = x², तो रिजल्ट क्या आया, तो आप इसको इधर लाइए और जैसे इसको इधर लाएंगे तो आपको पता चलेगा x² = ये आपका इधर आएगा माइनस होगा = 75। 75 क्या होता है तो आपको पता है कि ये होता है 5 * 5 * 3। तो अगर x² की वैल्यू 5 * 5 * 3 आ रही है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से अगर देखें तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 5 तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, सॉरी यहां पर 2x² की वैल्यू आ रही है तो 5 तो आपका बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये 5 * 5 * 3 है, 2 नीचे जाएगा और 2 नीचे जाएगा तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा निकल करके, तो आप ये देख पाएंगे कि x = ये आपका आएगा इतने बट्टे में 2, ये वाला हटाएंगे पार्ट तो इसके नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा x की वैल्यू निकालेंगे तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहां से निकलेगा 5, ऊपर आपका कितना बचेगा √3 और नीचे कितना बचेगा √2, यानी आपका x का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, तो आप निकाल पाए हैं 5 √3 / √2, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फ्लैग स्टॉप से ऑब्जर्वर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 √3 / √2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, मैंने कहा था आपको कि इसका अगर दूसरा तरीका भी होगा जो कि सुटेबल लगता है तो आप कर सकते हैं, और ये ज्योमेट्री का पार्ट है, किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, वो तरीका आपका यहां पर कुछ इस तरीके से होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। और पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट मैं पहले तो इसको रफ कर दे रहा हूं, और इसके बाद इसके जो भी पार्ट है, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा कंसेप्ट यूज होगा ज्योमेट्री का, पहले वो दिखा देता हूं, बता देता हूं कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्या होता है कि एक एंगल बाइसेक्टर लाइन की बात करते हैं, जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। एंगल बाइसेक्टर लाइन की कंडीशन ये होती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं, मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अगर आप एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो ये आपका लाइन, जो भी एंगल बाइसेक्टर लाइन है, जो सामने वाली साइड को अगर डी पॉइंट पर कट करती है, अगर डी पॉइंट पर कट करती है, और अगर ये लेंथ अगर देखें कि एबी, अगर आप देखें एबी का एसी से जो रेशियो होगा उसी रेशियो में ये डिवाइड करती है। ये बेसिक कंसेप्ट है, किस तरीके से आपका होता है वो प्रूव किया जा सकता है और किया जाएगा, तो वो ज्योमेट्री का पार्ट है। बट यहां पर बस इतना ध्यान रखिए कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में जो दोनों साइड होती हैं एंगल को बनाने वाली, जिस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रही है लाइन, एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो हमने कहा कि यहां पर आपका क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि AB का जो रेशियो एसी से होगा वही रेशियो, एबी का एसी से जो रेशियो होगा वही रेशियो बीडी का डीसी से होगा। ये पॉइंट बस आपको ध्यान रखना है, क्यों कैसे ये बाद में प्रूव होगा, जब आवश्यकता पड़ेगी, ज्योमेट्री जब पढ़ रहे होंगे तब हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे किस तरीके से आया। फिलहाल आपका जो कंसेप्ट है यहां पर, क्योंकि आपको यह पता चल गया कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये थीटा है, ये भी थीटा है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई। तो इस ट्रायंगल की जो ये लाइन आ रही है ये वाली, वो एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई,
अगर ये एंगल बाई सेक्टर लाइन हो गई तो आप चलिए क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके मैं बता रहा हूं। अगर ये एंगल बाई सेक्टर लाइन है तो इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो में ये डिवाइड होगा। तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये आपको पता चल चुका है, और ये रेशियो किस रेशियो में है तो आपको पता है कि ये रेशियो है अगर देखें तो 5:25 मतलब 1:5 और 1:5 है, तो ये भी अगर x मानते हैं तो ये भी 1:5 के रेशियो में होगा, तो ये x होगा तो ये 5x होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैंने बेसिक पॉइंट बताया कि जो एंगल बाई सेक्टर लाइन होती है वो आपका क्या होता है कि जिस एंगल को कट कर रही है उस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड होती है वो दो साइड जिस रेशियो में होती है सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है। तो AB का जो रेशियो AC के साथ होगा वही रेशियो BD का DC के साथ होगा, मतलब जो इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो होगा वही रेशियो इसका इसके साथ होगा। तो इसका इसके साथ क्या रेशियो दिखाया गया है 5:25 मतलब 1:5 का है, तो यह भी 1:5 का होगा। तो मैंने कहा कि अगर ये लेंथ एक्स है तो ये कितना होगी 5x। अब आप आ जाइए राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा है आपने 90 डिग्री के सामने साइड है, तो आपने पढ़ा है कि अगर ये वाली लेंथ अगर देखना है कि ये लेंथ निकालना है तो हम कहेंगे कि ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, जो भी आपने पढ़ा होगा आपने यही तो पढ़ा होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहां पर h की वैल्यू कितने है 90 डिग्री के सामने तो 5x, और यहां पर p की वैल्यू कितनी अगर ये थीटा लेके चलते हैं तो p आपका ये है और h आपका ये है, सॉरी p आपका जो है ये है तो ये आपका b है, और अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है या फिर इनमें अगर देखें आपको ये कौन सी लेंथ दी गई है तो आपको इस एंगल के सामने दिया गया परपेंडिकुलर दिया गया है। परपेंडिकुलर अगर आपको पता है यहां पर क्या लिखा है, मैंने गलत लिखा है ना, हाँ गलत लिखा है, ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण होगा। तो 5x का स्क्वायर मतलब हम लिखेंगे 5x का स्क्वायर कितना होगा 5x स्क्वायर माइनस इस वाली साइड का स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा इजिकल टू इस वाली साइड का स्क्वायर 5:25 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर का मतलब हुआ यहां पर कितना 30 इंटू 30 हो गया। अब अगर देखे 30 का स्क्वायर 900 होता है मुझे भी पता है लेकिन मैंने फिलहाल लिख दिया 30 × 30। अब आप आइए यहां पर आ गया कितना 24x² = 30 × 30। अब अगर इसको डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा तो 30 × 30 / 24, तो 6 से 4 बार गया और 6 से कितनी बार गया 5 बार, और 2 से कितनी बार गया 15 मतलब 5 × 3 और ये कितना 2 बार, तो ऊपर आ गया 5 × 5 × 3 और नीचे कितना आ गया 2, और एक्स स्क्वायर अगर इतना है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी तो आपको पता है यहां 5 से 1 बार 5 निकलेगा √3 रह जाएगा क्योंकि 3 एक बार है तो रूट लगेगा और √2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तो 5√3/√2 और यही एक्स की वैल्यू ही आपको पता करनी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये दोनों तरीके जो आपको सुटेबल लगे, जैसे कि अगला एक और क्वेश्चन इस पैटर्न पर करते हैं, फॉर्मूले से भी मैं करके बताऊंगा और इस तरीके से भी, और आपका ये तरीका अगर आप जानते हैं एंगल बराबर है, एंगल बराबर है तो एंगल बाई सेक्टर लाइन की बात करेंगे, और एंगल बाई सेक्टर लाइन की बात करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो रेशियो होता है वो रेशियो किस तरीके से रिलेट होता है, और अगर आपको ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है, इफ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ अ स्मॉल बिल्डिंग इज 75 मीटर हाई टू एन ऑब्जर्वर एट अ हाइट ऑफ 400 मीटर, दी मॉल बिल्डिंग एंड द पोल्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल्स, इफ द हाइट ऑफ द मॉल बिल्डिंग इज 325। अब स्मॉल बिल्डिंग या मॉल बिल्डिंग दोनों जगह अलग अलग हो गया, वो मॉल बिल्डिंग ही कर लेंगे। इफ द हाइट ऑफ द मॉल बिल्डिंग इज 325 मीटर देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द पोल। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है तो हिंदी में भी मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहा गया है कि वो स्मॉल की जगह मॉल बिल्डिंग ही दोनों जगह यूज करें या दोनों जगह स्मॉल बिल्डिंग ही यूज करें, वो आप देख लेना। क्वेश्चन ये है कि एक 400 बोला गया है कि एक 325 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर 75 मीटर ऊंचा फ्लैग पोल है, मतलब झंडे वाला डंडा है, झंडे का डंडा है, आप बोल सकते हैं फ्लैग पोल है, 75 मीटर ऊंचा फ्लैग पोल है। फिर बोला गया है कि उस फ्लैग पोल और ये बोला गया है कि उस फ्लैग पोल और उस इमारत से
जमीन और उस फ्लैट पोल और उस इमारत से 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल बराबर है, तो बताओ कि उस फ्लैट पोल के टॉप से उस ऑब्जर्वर के पास तक की, ऑब्जर्वर तक की, फ्लैट पोल के टॉप से ऑब्जर्वर तक की जो क्षैतिज दूरी है वो कितनी दूरी है, ये आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ के बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप समझ पाए होंगे। और ये कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया था, ये दोनों कंसेप्ट में से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप अप्लाई करिए। तो हमें पता है कि आपको फॉर्मूले से दूर होने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद करने की जगह अगर कोई अच्छा कंसेप्ट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, जो कि एंगल बाई सेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका निकल के आ रहा है। तो चलिए पहले मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करूंगा तो आपका थोड़ा सा दिमाग चलेगा और फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो बोला गया है कि एक कितनी है, आपका उसी तरीके से फिगर है, आपका बोला गया है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 325 मीटर है, 325 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर कितना मीटर ऊंचा फ्लैग पोल है, तो 75 मीटर ऊंचा फ्लैग पोल है, और इन दोनों से 400 मीटर जमीन से 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वर पे बनने वाला जो एंगल है, ऑब्जर्वर पे जो बनने वाला एंगल है वो बराबर है। मतलब आपको लगा कि जो फ्लैग पोल है उससे ऑब्जर्वर पर बनने वाला एंगल और जो बिल्डिंग है उससे ऑब्जर्वर पर बनने वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर ही आपको दिया गया है। और आपको पता है ये 75 और 325, 75 प्लस 325 कितना होता है, तो आपको पता है एड करेंगे तो आपको निकल के आएगा 400। तो हम कह देंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 400। और आपको बोला गया कि ऑब्जर्वर भी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और जब ऑब्जर्वर भी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है इस जमीन से, और आपका जो फ्लैग पोल का टॉप है वो भी आपका 400 मीटर ऊंचे पर है, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें पता है कि ये जो लाइन होगी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगी, तो हम कहेंगे कि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये परपेंडिकुलर आपका इस पर है तो इस पर भी होगा, ये कंफर्म हो जाना चाहिए आपको। तो मैंने यहां पर देखा, यहां पर क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, पहले बेसिक से अगर करते हैं इसको, तो अगर आप इसको बेसिक से करें तो कहेंगे कि ये एक्स होगा, अगर मैं इसको एक्स मानता हूं, फिर से वही, क्योंकि आपको वही पूछा गया है कि जो इस ऑब्जर्वर और इस फ्लैग पोल के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो आप अगर इसको x मानते हैं, अगर आप इसको x मानते हैं, मैं यहां पर x मान के ही कर रहा हूं, तो अब देखिए कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। तो आप कहेंगे यहां पर क्या कहेंगे कि tan थीटा, अगर इस एंगल को लेके चले इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका है 75, जो भी एंगल लेके चलते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा 90 डिग्री तो नहीं होगा, बेस 90 डिग्री के सामने की साइड ना तो बेस होते हैं ना परपेंडिकुलर, मतलब आपका बेस क्या है x, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 75 बाई x आ जाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पार्ट आता है tan 2 थीटा, टोटल देखें तो tan 2 थीटा tan a प्लस बी, तो ये tan 2 थीटा बना, और tan 2 थीटा की वैल्यू अगर आप निकालें तो आपको पता है कि tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा, यानी 2 tan थीटा करेंगे तो आप लिखेंगे 75 गुणे 2 यानी 150 डिवाइडेड बाई x, और अपान में कितना जाएगा, तो अपान में जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 75 इंटू 75 बाई x स्क्वायर। अच्छा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये इतना आएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 2 थीटा आपका होता है, tan 2 थीटा मतलब अगर यहां से देखें तो इसमें परपेंडिकुलर अपन बेस करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा टोटल 400, 400 हो गया परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाई आपका बेस कितना है x है, बराबर आपका ये रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट आएगा 150 बाई x इंटू, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उसको फिर से मैं बता रहा हूं, और फिर से अगर मैं बता रहा हूं तो वो कंडीशन है कि अगर आप देखें तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 75 इंटू 75, यानी नीचे आपका जो आएगा ये वाला पार्ट जो नीचे का वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस 75 इंटू 75, ये 75 इंटू 75। अच्छा अगर आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें जो कैंसिल होने लायक हो रहा होगा वो कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसमें तो पहला पार्ट की x कैंसिल हो गया, दूसरा पार्ट की 0 कैंसिल हो गया, तीसरा पार्ट की 5 से डिवाइड किया 3 बार, और 5 से कितनी बार 8 बार गया, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि चलो यहां तक आ गया समझ में। अब आपका आगे आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये कुछ नहीं तो 1, तो आप लिखेंगे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इंटू 8, तो आप कहेंगे 8x स्क्वायर माइनस
75 × 8, तो 75 × 8, तो ये 25 और 56, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो आप लिखेंगे 75 × 75 × 8, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है देखते हैं यहां पर, 75 × 75 बटे में अगर हम देखें इंटू 8 करते हैं तो देख लेते हैं 5 का 25 लिख दिया, और रूल आपको पता है 7 × 8 = 56 × 8 आपका गया, मतलब आप लिखेंगे यहां पर कुछ अगर देखें तो 56 × 8 पूरा लिखना जरूरी क्या है, हाँ जरूरी है लग रहा है कुछ, देखते हैं कैसे क्या होता है। ये आपका आ गया 8x² - 75 × 75 × 8, चलो देखते हैं 75 × 75 × 8, ये आपका इजिकल टू आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आप कहेंगे 3x², मतलब 3x² ये हो जाएगा 3 × x², 3x² × 1 3x², जब मैं इसको इधर लाऊंगा, जैसे ही मैं इसको इधर लाऊंगा तो जो रिजल्ट आएगा 3x² इधर आएगा, तो बचेगा कितना 5x² इजिकल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो 75 × 75 × 8, और यहां पर डिवाइड हो रहा है 5 से, कितनी बार गया, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं मैं, सही कर रहा हूं, 5 से डिवाइड करें तो 15 बार गया, यानी x² इजिकल टू कितना आएगा, तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3, और 15 को 5 × 3 और 75 को क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 15 × 15 पेयर बन गया, यहां पर कितना बचा 3, और यहां कितना बचा तो 2 × 2 × 2, अगर आप समझ पाए होंगे तो यही तो बचेगा 15 × 15 और × 3 × 2 × 2 × 2। अब अगर यहां से देखें कितना आ रहा है रिजल्ट निकल के बाहर, कितना आ रहा है वो पता नहीं कितना आएगा, फिर भी अगर जो भी आएगा वो देखते हैं कि कितना आएगा रिजल्ट, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, तो आगे जो आपका x² की वैल्यू इतना आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से आपका आएगा 15, यहां से 15 आएगा, यहां से कितना निकलेगा 2 × 15 बराबर कितना हुआ, तो यहां से 15 × 2 = 30, और यहां पर बचा 3 और 2, मतलब √6 30 √6, अब पता नहीं क्या गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर कैलकुलेशन, अगर आप यहां देखें तो कैलकुलेशन गलत तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही आ रहा है, अब कहां कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है वो आपको देखना होगा, यहां पर 15 का मल्टीप्लाई किया 75 × 75, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, tan θ = 75/x, उसके बाद tan2θ = 400/x लिखा, और यहां पर आ गया 150/x इंटू, ये अगर देखें तो 1 − tan²θ यानी 1 − इसका² 75 × 75 × x² यानी x² −75 × 75 × x² ऊपर गया, x आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 3 और 5 से 8 ये ठीक है, यहां पर देखें तो 8x² ये 3x², तो 8x² −75 × 75 = 8 = अगर दूसरी साइड देखें तो दूसरा आपका आ रहा है कितना, तो अगर दूसरे पार्ट में देखें तो आपका इधर आ रहा है 3x², तो 3x² जब हम इस साइड ले आएंगे तो आपका बचेगा कितना 5x², इसको उधर ले जाते हैं, तो 5 से 15 15 5 75 हो गया, 15 × 15 × 3, यहां गलत करें 15 × 5 15 × 5, और 15 × 5 होगा, यहां पर गड़बड़ में कर दिया था, 15 × 15 × 5 तभी तो 75 होगा, 15 × 5 नहीं तो 45 हो जाता, × 2 × 2 × 2, तो यानी यहां पर कितना आ गया, तो x = 30√10, 10 कैसे हुआ 5 × 2 = 10, वो रूट के अंदर रहेगा क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो x की वैल्यू आ रही कितना 30√10, और यहां पर x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो ये आपका आंसर हो गया कि 30√10 मीटर की डिस्टेंस है किसके बीच में, जो फ्लैग पोल है और जो आपका ऑब्जर्वर है उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 30√10 है। तो ये जो आपका था थोड़ी सी कैलकुलेशन, आपने देखा कि कैलकुलेशन बढ़ गई, अगर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है जिससे आपका क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा ना करना पड़े, ये फार्मूला ना यूज करना पड़े, तो ये जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो मैं इसको पहले रफ करता हूं, और अगर उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे निकलेगा कितना आएगा वो आप देख लेते हैं, यहां पर कैसे निकालना है कैसे करना है आपको। तो देखो करना क्या है, इतना है कि सीधा सीधा हमें यहां पर यह देखना होगा कि यह एंगल बाई सेक्टर लाइन है क्या, हां क्योंकि यह एंगल एंगल बराबर है तो एंगल बाई सेक्टर लाइन है, और यह एंगल बाई सेक्टर लाइन है तो यह उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में यह दोनों साइड होती हैं, तो ये देखो क्या रेशियो है इनके बीच में 75 और 325 के बीच में 25 से 3 बार जाता है और 25 से 13 बार जाता है, यानी 3 और 13 का रेशियो है, तो मैं कहूंगा कि ये भी 3 और 13 के रेशियो में होगा, अगर ये 3x होगा तो ये कितना होगा 13x,
वो 3x होगा, तो ये कितना होगा 13x, मतलब 3x की वैल्यू आपकी बाहर निकालनी है इस तरीके के अकॉर्डिंग। और अगर इस तरीके के अकॉर्डिंग निकालें तो हम पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने ये है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है लंब का स्क्वायर। तो यहां देखते हैं 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169x स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कितना हुआ 9x स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा, तो इजिकल टू आएगा इसका स्क्वायर, और ये है कितना टोटल देखें तो 400 है, तो हम कहेंगे 400 का स्क्वायर मतलब 400 × 400। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे करते हैं कि क्या आता है आपका रिजल्ट, थोड़ा सा आसान दिख रहा होगा, इसी को बस कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू आएगी 3x करना है, आसान हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका आएगा 160x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा 400 × 400 और डिवाइडेड बाई ये माइनस करके देखें तो 160 आएगा, जीरो कैंसिल, और जीरो कैंसिल हुआ तो अगर हम डिवाइड करते 4 से 4 बार, और 4 से कितनी बार 100 टाइम्स, और 4 से ये कितनी बार 10 बार, यानी एक्स स्क्वायर इतना है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहां से 10 × 10 × 10 हो गया, ये 10 × 10 × 10 मतलब 10√10 आ गया, और 10√10 आ गया तो हमें निकालना क्या 3x का वैल्यू, मतलब इसका ट्रिपल, और ट्रिपल करें तो 30√10 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट है, अगर आप समझते हैं जानते हैं ज्योमेट्री का ये पार्ट, और अगर नहीं जानते तो मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए और क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से तुरंत सॉल्व करिए, ना कि पूरा एंगल का जो फार्मूला होता है टैन थीटा का जो फार्मूला है tan 2 थीटा या tan a+b उसको यूज करने की जगह बेहतर होगा कि एंगल बाइसेक्टर वाला पार्ट यूज करें, उसके अकॉर्डिंग सोचें। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपने देखा था थोड़ी देर पहले मैं इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो आपकी यहां पर आ रही थी थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ और कि आपका क्वेश्चन की कैलकुलेशन बेकार हुई और वहां पर दिक्कत आ गई, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी आपको एंगल बाई सेक्टर नहीं दिखेगा, और जब नहीं दिखेगा एंगल बाई सेक्टर तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है अगला जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लेट अ वर्टिकल टावल ए बी हैव इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट ए पी इज इक्वल टू 2ab। If angle BPC is equal to beta, then tan beta is equal to, ये tan beta आप ध्यान रखना, B और beta में अंतर आप ध्यान रखना, थोड़ा सा देखने का तरीका आप बना के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि B को beta पढ़ लो, beta को B पढ़ लो। तो आपका देखा गया है कि tan BPC is equal to beta, हिंदी में अगर बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार दिख रहा है, लेकिन हिंदी में अगर बात करें तो बोला गया है एक ऊर्ध्वाधर टावर AB है, एक ऊर्ध्वाधर टावर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है सीधा सीधा, जैसे पोल होता है जमीन पे खड़ा सीधा, वैसे ही है ऊर्ध्वाधर टावर ए बी है, जिसका जिसका ए सिरा, ए जो है ना जहां अंत होगा, ए जो सिरा है वो कहां पर है, जमीन पर है, और जमीन पर है। उसके बाद बोला गया है कि ए बी जो टावर है उसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, सी है, मध्य बिंदु सी है, ए बी जो टावर है उसके मध्य बिंदु क्या है, सी है, और बोला गया है ए बी एंड पी बी ए पॉइंट, और पी जो है एक बिंदु है, एक स्थान है, एक बिंदु है जो कि ग्राउंड पर कहीं पर है, और फिर उसके बाद बोला गया ग्राउंड पर कहीं है, और यह बोला गया है कि एपी डिस्टेंस जो है वो कितने के बराबर है, जो ए बी का डिस्टेंस होगा उसके डबल के बराबर एपी है, मतलब एपी बराबर 2ab है। अगर एंगल बीपीसी बीटा है तो टेन बी कितना होगा, टेन बी कितना होगा, मतलब आपको रेशियो ही तो बताना है दो साइड का, टेन बी में परपेंडिकुलर और बेस का, तो टेन बी कितना होगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग जो फिगर बनेगा उस फिगर को बनाओ, और जैसे ही फिगर बनता है क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आसान हो जाता है, समझ में आने लगता है कि क्या दिया गया है और किस तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे बोला गया कि एक टावर है एबी, टावर एबी बना दिया, क्योंकि बोला गया टावर एबी है, जिसमें यह भी बताया गया कि जो टावर एबी है उसमें जो ए पॉइंट है वो आपका ग्राउंड पर है, तो मतलब बी पॉइंट जो है वो टॉप पे है, तो एबी आपका हो गया टावर, ए बी आपका हो गया टावर यहां पर, जिसका जो ग्राउंड पर पॉइंट है वो ए है, जबकि टॉप पे क्या है, बी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये बोला गया है कि जो ए बी आपका टावर है उसका मिड पॉइंट जो है ना वो आपको बोला गया है कि वो सी है, जो ए बी टावर का मिड पॉइंट है वो सी है। आगे ये बोला गया है कि ग्राउंड पर कहीं पर, ग्राउंड मतलब ग्राउंड पर अगर ए है तो ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहां पर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पर कहीं पर एक पॉइंट पी है, तो मैंने कहा यहां पर एक पॉइंट है जो कि पी है,
और फिर जब पॉइंट पी बोला गया उसके बाद यह भी बताया गया, ये ध्यान रखना है ग्राउंड है ये टावर है तो ये परपेंडिकुलर तो है ही। अब आप देखिए ये ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका टावर है परपेंडिकुलर होगा, तो बोला गया कि AP इज इक्वल टू 2AB मतलब जितना AB का लेंथ है उसका डबल AP है और AB का लेंथ जितना मानेंगे उसका डबल है, तो मैं कहता हूं कि ये जो मिड पॉइंट था अगर, तो मैं कहता हूं कि अगर ये X होगा तो इधर भी कितना होगा X होगा, तो ये टोटल कितना होगा AB 2X हुआ, और अगर AB 2X होगा तो AP कितना होगा टोटल, तो आप कह पाएंगे कितना होगा 4X होगा। अगर ये आपका मिड पॉइंट है तो मैंने कहा इधर x है तो ये भी x होगा, तो AB कुल कितना हुआ 2x, और अगर AB 2x हुआ तो AP उसका डबल है, और डबल है मतलब अगर ये 2x है तो ये कितना होगा 4x। अब आगे आते हैं, अब आपसे ये बोला गया कि AP इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल BPC इज इक्वल टू बीटा BPC, तो चलो BPC एंगल बना लेते हैं, ये हो गया BPC एंगल। ये वाला एंगल के बारे में बोला गया कि ये वाला एंगल जो दिया जा रहा है वो कितना है, ये बीटा है। इस एंगल के बारे में बोला गया कि ये है आपका एंगल बीटा, बी नहीं है बीटा है, एंगल बीटा है, एंगल बीटा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल है बोला गया है कि एंगल बी पी सी, तो बी पी सी लाइन ड्रॉ किया तो आपका आ गया कि ये वाला जो एंगल है वो बीटा है। अब आपसे बोला गया कि बताइए अगर ऐसा है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है टेन बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टेन बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने तो अभी तक तो पढ़ा क्या था, हमने ये पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, ये तो आपका 90 डिग्री है नहीं, ये भी 90 डिग्री है नहीं, 90 डिग्री तो ये है, और अगर ये 90 डिग्री है तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन के लिए आपका ये फॉर्मूला यूजफुल है या नहीं। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हैं, और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बताइए इसमें इस वाले ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल कुछ नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x अपान tan थीटा इज इक्वल टू x अपान परपेंडिकुलर आपका x है, बेस कितना है 4x यानी 1/4, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तो 1/4 आ गई। और अब अगर देखिए कि ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, लेकिन पूरा ट्रायंगल लेते हैं तो हम लिखेंगे यहां पर tan थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, तो tan थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल आपका आएगा तो इसके सामने की पूरी साइड आएगी, tan थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप यहां से कह पाएंगे कि tan थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा 2x अपॉन 4x यानी कि आएगा 1/2, तो tan थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम यहां पर लिखते हैं 1/2, इसको यहां पर लाके लिखते हैं 1/2, इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए अब अगर ये पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं tan थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो मैंने लिखा 1/2 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस बीटा, मतलब tan थीटा प्लस बीटा मतलब a प्लस b का फॉर्मेट है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे tan थीटा प्लस tan बीटा, tan थीटा प्लस tan बीटा अपान अपान क्या आएगा, तो हमें पता है कि 1, देखिए यहां पर आपका 1 माइनस tan थीटा इंटू टेन बीटा, टेन थीटा इंटू टेन बीटा, और आगे अगर चलते हैं और आगे चले तो क्या रिजल्ट आता है, तो आप देखेंगे कि आगे अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूं, टेन थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, तो आप कहेंगे कि 1/4 है, तो यहां पर मैं वैल्यू लिखता हूं 1/4 प्लस टेन बीटा, 1/4 प्लस टेन बीटा अपान यहां क्या आएगा, तो 1 माइनस tan थीटा मतलब 1/4 इंटू टेन बीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा बाई 4, 1/4 इंटू टेन बीटा यानी tan बीटा बाई 4। आगे अगर और आगे बढ़े तो ये क्या रिजल्ट आता है, तो आप कह पाएंगे यहां पर जो आएगा तो ये आएगा 1 प्लस tan बीटा अपान यहां देखिए तो आ जाएगा 4 माइनस tan बीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan बीटा अपान 4 माइनस tan बीटा, आप देख सकते हैं 1 प्लस 4 tan बीटा, ये आएगा 1 प्लस 4 tan बीटा अपान 4 माइनस tan बीटा, ये आपका आ गया, क्योंकि आपको पता है कि इसके नीचे भी 4 आएगा, इसके भी नीचे 4 आएगा, तो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसमें जितना नीचे आपका डिनोमिनेटर उसका है, नीचे वाले फ्रैक्शन में भी उतना ही डिनोमिनेटर है, तो आपको ये छोटा सा पॉइंट ये पता होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इनको हटा करके मैं ये लिख सकता हूं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना रिजल्ट आएगा, अगर यहां पर देखते हैं कुछ कैलकुलेशन अगर मेरी सही है
तो देखिए ये जब आपका मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो 4 × 10 भी यहां पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो आप लिखते हैं इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही रहेगा 4 − 10 बीटा इजिकल टू, 4 − 10 बीटा इजिकल टू ये मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 + 4 tan beta यानी 2 + 2 tan beta, 2 + 2 tan beta, और 10 beta को अगर एक साइड करते हैं इसको उधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे तो आप देखिए ये मैंने क्या कर दिया, 2 × 4 tan beta है ना, तो मैं मल्टीप्लाई करने में कहां गड़बड़ कर रहा हूं, ये होगा कितना 8 tan beta, 8 tan beta, मतलब अगर आप 10 beta 10 beta इधर देखें इसको एक साइड लाएं तो ये कितना हो जाएगा 9 tan beta, 9 tan beta इजिकल टू ये 2 जाके 4 में से माइनस होगा तो बचेगा कितना 2, यानी 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से जो 10 बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 10 बीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो 10 बीटा इजिकल टू 2/9, 10 बीटा इजिकल टू 2/9, और हमें 10 बीटा ही निकालना था, तो यहां से आपका रिजल्ट निकल के आ गया कि 10 बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/9। तो कुछ क्वेश्चन जो कि आज की क्लास में उन्होंने किया वो फॉर्मूला कौन सा था, टेन ए प्लस बी पर जो वेज फॉर्मूले होते हैं उससे रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है और कैसे यूज करना है उसको नहीं जानते हैं, यूज कैसे करना होगा पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे पिछले जो दो क्वेश्चन हमने किए इस क्लास में, 3 क्वेश्चन किए, तो शुरू के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें तो आपका बेसिक तरीका आपका जो ज्योमेट्री का पार्ट है वो भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना था और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला भी याद हो चुका होगा, और आगे जब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट करेंगे तो वहां पर जब भी ऐसे फॉर्मूले अगर इसका यूज होगा या ऐसा फॉर्मूला दिखेगा तो आप तुरंत समझ पाएंगे। फिलहाल आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।